राम राम, कैसे हो सभी? ऑफ कोर्स अच्छे ही हो गए। तो यार, मैं करने वाला हूँ आज बात सुखोवी दीमापुर के बारे में, जो कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है मेरे पास और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि कैसा क्या हो रहा है। हाइट का पूछ रहे हैं, हाइट का पूछ रहे हैं, कुक टेस्ट का पूछ रहे हैं, और मेरे से ये भी बोला गया दो बंदों ने कि यार आप सिलेबस वगैरह बता दीजिए। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ अपना कुक टेस्ट का पूछ रहे हैं कि कुक टेस्ट में मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसी बात पे आज चर्चा करने वाला हूँ, और पूरा वीडियो जरूर देखो। आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ वहाँ। मेरे पास 2-4 जनों के कॉल भी आ चुके हैं, तो मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। ठीक है, करते हैं सुखोवी दीमापुर के बारे में। तो अपना पहला हाइट का पूछ रहे हैं। ठीक है, उधर पे रहने खाने की व्यवस्था मिलेगी आपको? सेंटर के पास पूरी व्यवस्था मिलेगी खाने पीने रहने की। ठीक है, और एक बात और दूसरा बात कि आप ठंड ज़्यादा है वहाँ पे, तो आप लोग अपना सामान अच्छे से ले जाएं, ओढ़ने बिछाने के लिए जो भी ले जाना हो आपको। और तीसरी बात, टॉपिक की बात कर रहे थे, हाइट हाइट 1.70 मांग रहे हैं। आप पहले लगोगे तो 1.70 में अंदर करेगा, ठीक है आपको, और बाद में जाओगे तो 1.72 में अंदर करेगा। ठीक है, और इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कुक टेस्ट के बारे में। आपका फिजिकल होगा वहीं पे, आपको कुक टेस्ट वहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुक टेस्ट होगा ना जो आपका, तो उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पूछेंगे। आपको सब्जियों के नाम पूछेंगे, ज़्यादा का पूछ रहा है अदरक लहसुन और हल्दी। ठीक है, अदरक लहसुन हल्दी इन चीज़ों का ज़्यादा पूछ रहा है, मूली गाजर इनका पूछ रहा है। ठीक है, ये 5 चीज़ पढ़ी लेना आप कोई भी हालत में। और आपको आटो का इंग्लिश में नाम पूछ सकता है, आटे का अपना इंग्लिश में नाम पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अपना बेसन का इंग्लिश में नाम पूछ सकता है, मैदे का इंग्लिश में नाम पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपना और अपना चिकन से 5 चीज़ बनने वाले। ठीक है, चिकन से जो 5 चीज़ बनते हैं वो पूछ रहा है, और मीट से 5 चीज़, दूध से 5 चीज़, ये हो गया क्लियर। इन चीज़ों को पढ़ लेना आप अच्छे से, और इसके बाद ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, इससे इसके बाद पूछ रहा है 5 गैजेट जो अपना किचन में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो 5 किचन में यूज होते हैं। ठीक है, ये हो गया। आप सिलेंडर का वेट पढ़ लेना, सिलेंडर का वेट हुआ कितना, हुआ कितना केजी का खाली सिलेंडर, भरा सिलेंडर, ये हो गया। अपने प्रदूषण खाने पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है पंजाब का पूछ रहा है, पंजाब का खाना, दिल्ली का खाना, और अपना नागालैंड का खाना, और अपना राजस्थान बुम्बई, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, मुंबई का, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का, बस इतना ज़्यादा ये पढ़ लेना। ठीक है, और आपको और उससे और है अपना, इसके बाद होता है अपना इतना चीज़ पढ़ ली, इतने में आप कुक टेस्ट पास ले जाओगे। ठीक है, और फिर पेपर का पूछ रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या पूछ रहा है, तो मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ। पहले तो सिलेबस में अपना अपना हिंदी नहीं है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है। मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश जिसने पढ़ ली ना उसका पेपर निकल जाएगा। मैथ मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस का होगा, मेंस के मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आ रहे हैं, और अपना होगा रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ लेना, और अपना डायरेक्शन से भी एक को दो क्वेश्चन आएंगे, अपना कोडिंग रिकॉर्डिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सादृशता तो सबसे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन उसमें रीजनिंग में, और मैथ के बता दे रहा हूँ, मैथ का तो मेंसुरेशन हो गया, और उसके अलावा एक्स का मान निकलवा रहा है सबसे ज़्यादा, एक्स का मान। ठीक है, और आपको डेट दी जाएगी और पास फेल की डेट दी जाएगी शाम तक। ठीक है, आपको आपका सब कुछ क्लियर होने के बाद आपको बताया नहीं जाएगा कि आप पास हो फेल हो, तो उधर पे बता दिया जाएगा शाम को। तो यार यही सब था और कुछ नहीं है, वैसे इतना ही सब कुछ है जो आपको बताना था, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, बहुत मतलब फोटो फोन आ रहे हैं। तो यार बस यही सब पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं लेना, आराम से रिलैक्स देखे जाना, और मेरे साथ से आपको लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर कर देना यार, अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, राम राम।